हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं सम्राट गेम फी के हिंदी गेमिंग चैनल। फ्रेंड्स, आपने टेकन 7 जरूर सुना होगा, इसकी स्टोरी और गेम प्ले के बारे में जानते होंगे। बट टेकन 7 में एक ऐसा करेक्टर था जिसके बारे में बात नहीं की गई, और हमने थंबनेल में बताया भी वो कौन सा करेक्टर है। बात है जिम्पाजी की, क्योंकि टेकन 7 में कजुया और लाइची की स्टोरी बताई गई है एक बार फिर शुरू से लेके, और उसमें जिम्पाजी की स्टोरी नहीं बताई गई जो टेकन 5 में थोड़ा बताया गया था कि जब लाइची ने कजुया की मदर और कजुया को मारने की कोशिश करी उसने, और इलायची ने पर लेकर उससे पहले ख़त्म करना चाहा था जिम्पाजी को, तो वो स्टोरी ऐड होनी चाहिए थी टेकन 7 पर वो नहीं थी। तो चलिए आपको थोड़ा दिखा देते हैं जिम्पाजी के बारे में। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, मैं टेकन सीरीज में देखा जाए जिम्पाजी ही सबसे गुड कैरेक्टर है टेकन सीरीज में, और कोई नहीं है ओनली। तो फ्रेंड्स, टेकन 5 में वक्त दिखाया गया था एंडिंग में, ये इसमें था कि कजुया और जिम्पाजी के बीच रिश्ता काफ़ी अच्छा था, इलायची से भी ज़्यादा अच्छा, मतलब रिवेंज का नहीं था बिल्कुल भी। और ये उसी टाइम का कजुया है जब उसे माउंटेन से फेंका गया था नीचे, तो उससे पहले अगर ऐसा होता तो जिम्पाजी इलायची को रोकता, पर जिम्पाजी को पहले ही इलायची ने टेम्पल के नीचे कैद कर दिया था। तो सबसे पहले ये भी स्टोरी थोड़ा सा होना चाहिए था टेकन 7 पे, जो कि नहीं थी। और इसी चीज़ का अफसोस है, तो इसका बंद करते हैं वीडियो और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा जाए ये चीज़ बहुत बुरी थी टेकन 7 में कि जिम्पाजी के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया, क्योंकि टेकन 7 में थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा सा ही स्टोरी होनी चाहिए थी जिम्पाजी के ऊपर, स्टोरी के बीच में थोड़ा दिखा देते, लेकिन ये बहुत मायने रखता है जिम्पाजी का टेकन 7 की स्टोरी में होना, कि जिम्पाजी मेन करेक्टर। और दिखाया जिम्पाजी बहुत अच्छा करेक्टर था कंपेयर फॉर इलायची और कजुया। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और तो और सपोर्ट करते रहिए सब्सक्राइबर, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल रहेगा हमेशा अधूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा एंड तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय।